दोस्तों आज का वीडियो देख लेना अगर आप फ्रेशर हो या स्टूडेंट हो, क्योंकि आज के वीडियो में काफ़ी चीज़ें आप सीखने वाले हो। अगर मैं बात करूँ जो टेस्ट मोस्टली साइड पे किए जाते हैं, स्टील टेस्ट का मैं आज वीडियो लेके आया हूँ साथ में, फिर आपके लिए मैं लेके आया हूँ सीमेंट टेस्ट, कॉन्क्रीट टेस्ट, सॉइल टेस्ट, एग्रीगेट का टेस्ट, जो भी बेसिक टेस्ट होते हैं ना साथ में, वो प्रैक्टिकली आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। मतलब 45 मिनट में आपके लूँगा, एक छोटी सी इंटर्नशिप वीडियो आप इसको बोल सकते हो, एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपका रहेगा। 45 मिनट लूँगा लेकिन उसमें आप काफ़ी चीज़ें सीख के जाने वाले हो, गारंटी है। तो कंप्लीट वीडियो देखो, टाइम निकाल लो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उससे पहले बेल आइकन दबा लो, और ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ सिविल साइट विजिट पे मिलेगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से टेस्ट साइट पे जरूरी होते हैं, फिर उसके बाद हम इनके प्रैक्टिकल वीडियो भी देखते जाएंगे। देखो, आपकी साइट पे कोई भी स्टील आएगा पहले उसका टेस्ट होता है। तो ये जैसे आप सामने देख रहे हो, ये सैंपल है, मतलब जितने भी डाई का आपका स्टील यूज़ होने वाला है उसके 3 पीस कटिंग करनी होती है, 1 मीटर लेंथ के, हर अगर 8 mm का है 3 नग 1 मीटर का, वो करके हम उसका टेस्ट करते हैं। स्टील टेस्ट में कौन कौन सा टेस्ट आता है, तो स्टील टेस्ट का अगर हम बात करें तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो जो स्टील है 8 mm, 10 mm, 12, 16 और 1 मीटर की उसकी लेंथ है, 3 नग हैं हर सैंपल के, और ये जिंदल FE 500 TMT बार है। इसका टेस्ट कौन कौन सा किया जाएगा, 0.2% प्रूफ टेस्ट, फिर वेट और रनिंग मीटर, मतलब उसका वेट किया जाता है और IS कोड से मिलाया जाता है कि प्रॉपर आ रहा है नहीं, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाएगा, एलोंगेशन बेंड एंड रीबेंडेड टेस्ट। और ये तीनों टेस्ट, पाँच टेस्ट हैं, इनकी मैं वीडियो ले आऊँगा, उसमें मैं पूरा प्रोसीजर आपको बताऊँगा। आज ये आपको पता होना चाहिए, इस साइड पर जाके ये टेस्ट हमेशा होते हैं। अगली चीज़ है जो कौन कौन सा टेस्ट आप करोगे और कौन कौन सी आपको इंस्ट्रूमेंट ज़रूरत पड़ेगी साइड पे, वो भी मैं बता देता हूँ, टेस्ट का हम कल बात करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ है एग्रीगेट टेस्ट जो रहता है, इसमें 7 टेस्ट आते हैं, उस पर कल वीडियो आएगी, 7 टेस्ट के मैं प्रोसीजर बताऊँगा। इसमें आपको GI सीप चाहिए 450 mm फॉर कोर्स एग्रीगेट के लिए, जो रहेगा 25 mm से 4.75 mm, फिर ब्रास सीप चाहिए जो 200 माइक्रोन की रहेगी, फाइन एग्रीगेट 10 mm से 75 माइक्रोन की, और हॉट प्लेट, फ्लेकनेस एंड एलोंगेशन गॉज, 20 kg इलेक्ट्रॉनिक बेड मशीन, 2 नग, तो मतलब ये चीज़ें चाहिए होती है। दूसरा टेस्ट जो होता है साइट पे वो होता है सीमेंट एंड फ्लाई ऐश टेस्ट, तो इसमें क्या ज़रूरत पड़ती है, 90 माइक्रोन एंड 45 माइक्रोन की सीब हमें ज़रूरत पड़ती है फाइनेस टेस्ट के लिए। फिर आता है कॉन्क्रीट टेस्ट जो रहता है, उसमें हमारा कौन कौन सा टेस्ट होगा, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन चाहिए 2000 kN कैपेसिटी वाली, और फिर हमारा 150x150 के क्यूब हमें चाहिए होते हैं, स्लम कोन हमें चाहिए होता है, फिर हमें जो थर्मोमीटर होता है टेम्परेचर चेक करने के लिए कंक्रीट का, वो चाहिए होता है, फिर हमें ग्राउटिंग जो हम करते हैं प्लास्टर करते हैं उसके लिए हमें क्यूब चाहिए होता है, 70.6x70.6 का क्यूब हमें चाहिए होता है, फिर हमें जो क्यूरिंग क्यूब की क्यूरिंग के लिए टैंक चाहिए होता है, वो ज़रूरत पड़ती है। तो ये बेसिक चीज़ें ज़रूरत पड़ती है साइट पर। फिर अगली चीज़ हम बात करें, जो अगला टेस्ट हमें ज़रूर पड़ता है, जो आना चाहिए, वो है सॉइल टेस्ट, तो सैंड रिप्लेसमेंट किट हमें चाहिए होती है पूरी, उसमें हमारा मॉइस्चर मीटर हो गया, जो भी किट होगी, ये मैं पूरा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ये जो भी टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ, ये सब आपके लिए प्रैक्टिकल आने वाले हैं। बस अभी मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि कौन कौन से टेस्ट साइट पे किए जाते हैं, ये प्रैक्टिकल वीडियोस तो आएंगे, एक इंट्रोडक्शन वीडियो आप इसको बोल लो, क्योंकि नया प्रोजेक्ट है, नए प्रोजेक्ट में जो भी होगा तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। फिर हम बात करें तो इसमें आपको GI ट्री चाहिए होगी, व्हील बैरो चाहिए होगा, स्कूप, स्पैचुला एक्स्ट्रा आपको नीड यहाँ पड़ेगी। ये हो गए 5 टेस्ट, इसमें हमारा एग्रीगेट का कवर हो गया, कंक्रीट, सॉइल, तो ये टेस्ट मोस्टली साइड पे किए जाते हैं। स्टील हम घर में भी यूज़ करते हैं, ऐसे भी हमारे काम स्टील यूज़ आता है, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसे चेक करनी है कि जो स्टील आप यूज़ कर रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं, ऐसे देखने से नहीं पता चलेगा कि ये स्टील कोई भी कंपनी उठा लोगे, क्योंकि डुप्लीकेसी भी बहुत है, नकली माल भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो आपको स्टील चेक कैसे करना है कि जो आप घर में यूज़ करने जा रहे हो स्टील वो अच्छा है कि नहीं, मैं आपको आज 8 से 10 बातें ऐसी बताऊँगा जो आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हो और देख के भी आइडिया लगा सकते हो कि आपका स्टील अच्छा है कि नहीं। अभी मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे, मतलब टोटल वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको जो MTC सर्टिफिकेट आता है, मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग सर्टिफिकेट, मतलब सिंपल भाषा में समझाता हूँ, जब भी आप कहीं से भी सरिया लोगे, स्टील बार लोगे, वहाँ का उसका टेस्ट सर्टिफिकेट जरूर लेना, मतलब किसी से भी सरिया लोगे वहाँ जाके आपको क्या है बोलना है, MTC चाहिए हमें, MTC के बाद ही आपको सरिया लेना है, बिना MTC के कभी भी सरिया कहीं से भी मत लेना। और अगर साइट इंजीनियर की बात करूँ, साइट पे जो भी स्टील आता है उधर MTC होता है, उस पर लिखा होता है
उस पर आपका ग्रेड लिखा होगा, कौन से ग्रेड का आप यूज कर रहे हो, FE 500, 550, TMT, TMX, सब उस पर लिखा रहता है। तो आपको TMT वार यूज करना है हमेशा, ये याद रखना। तो FE 500 TMT ये चेक कर लेना है, उस पर IS मार्क होगा। ये MTC जो सर्टिफिकेट है, ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा भी उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें लिखी होती हैं उस पर। एक दूसरी चीज देखनी है आपको, इंडियन स्टैंडर्ड मार्क IS मार्क बना होगा ऐसे, वो आगे मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। और उसमें देखना है आपको कंपनी का नाम, कि कौन सी कंपनी का आपने मंगाया, आपने जिंदल का मंगाया है, टाटा का मंगाया है, सेल का मंगाया है, विजैक का मंगाया है, जिस भी कंपनी का आपने स्टील लाया है वो जरूर देखना। और कैसा स्टील होना चाहिए, इस पे वीडियोस हैं 5-6, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। पहली चीज होगी हमारी MTC, हमने चेक कर लिया। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, दूसरी चीज आपको लेंथ चेक करनी है उसकी, कि कितने कभी क्या होता है, बोलते हैं कि 12 मीटर का सरिया आता है, कुछ लोग क्या होता है लेंथ के हिसाब से बेचते हैं। तो आपको हमेशा लेंथ चेक करनी है कि उसकी 12 मीटर है कि नहीं है, 12 मीटर से ज्यादा ही होनी चाहिए, अगर कम होती है वो स्टील आपको नहीं लेना। और आपको जो कई बार होता है कि कुछ क्या करते हैं 12 मीटर की होंगी, बीच में कुछ नगर 11 मीटर के डाल देते हैं, 9 मीटर के, तो उस चीज से भी आपको बचना है, ये चीज आपको चेक करनी है। नेक्स्ट उसका वेट चेक करना है आपको, कि जो वेट है एक्चुअल वेट, देखो करना क्या है, 1 मीटर लेंथ के आपने सरिये काट लेने हैं, आपका 8 mm का सरिया है, 16 mm का है, 20 mm का, उनके सबके 1-1 मीटर की लेंथ काट लेनी है आपको, ठीक है। 1-1 मीटर की लेंथ काट लेनी है, उसके बाद उसका वेट करना है, मतलब उसका उसको तराजू में तोलना है, वेट करना है उसका। तो उसका वेट सेम आना चाहिए जो IS कोड 786 कहता है, कौन सा 786। और आप उसका वेट निकाल भी कैसे सकते हो, उसका वेट निकलता है D²L 162, इस फार्मूले से, इसमें मैं वीडियो बना चुका हूं। डी स्केयर क्या हो गया, जितने डाया का 8 mm का सरिया है, 8 का स्केयर, लेंथ हमने 1 मीटर ली, 1/162, तो जो वेट आएगा वो आपको IS कोड से मैच करना है। मतलब ऐसे पहले वेट निकाल देना है इस फार्मूले से, 8 mm का सरिया, फिर उसको वेट कर देना है, दोनों बराबर आने चाहिए। अगर थोड़ी वेरिएशन हुई तो मतलब उसमें जोल जाल है, उस सरिये को बनाने में जोल जाल किया गया। नेक्स्ट चीज आपको देखनी है डायामीटर, जो भी डाया का आपने सरिया मंगाया है, ठीक है, वो देखना है 8 mm का मंगाया तो 8 mm है कि नहीं, उस पर लिखा भी रहता है 8 mm सरिया उस स्टील पे। और अगर लोकल कंपनी का लोग है तो उसका भरोसा कम रहता है, तो हमेशा थोड़े बहुत पैसे ज्यादा लगाने हैं आपको, जिंदल या टाटा या सेल या विजया कंपनी, ऐसी कंपनी चुननी है कि जिसमें जोल कम हो, क्योंकि लोकल कंपनी का चुनोगे तो उसमें डाया में भी डिफरेंस होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी खराब होती हैं, वो मतलब अच्छे से बनाया नहीं होता है, और उसकी टेंशन भी काफी ज्यादा होती है, ऐसे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है, काफी चीजें टेस्ट होती हैं। अगला टेस्ट आपको करना है बेंड टेस्ट, ये टेस्ट करना है, अभी मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा, बस वीडियो के साथ बने चलो। तो बेंड टेस्ट में क्या करना है, आपको एक सरिया लेना है, आप 1 मीटर सरिया ले लो, एक मशीन होती है जो बेंडिंग वाली मैंडेटरी, उस पे उसको डाल के उसको बेंड करना है, मतलब उसको 180 डिग्री बेंड करना है। जब 180 डिग्री बेंड करोगे तो उसमें अगर ये सरिया हमने बेंड किया, ऐसा सरिया आपका हो गया, यहां पे बेंड, यहां से यहां कोई क्रैक या कोई भी दरार नहीं होनी चाहिए, अगर यहां क्रैक या दरार हुई तो वो सरिया अच्छा नहीं है, वो सरिया आपको कभी नहीं लेना है, ठीक है। बेंड टेस्ट हो गया, फिर होता है रीबेंड टेस्ट। एक रीबेंड टेस्ट में क्या होता है, आपको सेम 1 मीटर का सरिया ले लो, कोई भी डाया का, 8 का 10 का, जितना का डाया का आप यूज कर रहे हो, उसको पहले बेंड करो 135 डिग्री, उसको बेंड करना है, कितना 135 डिग्री उसको बेंड करना है, 35 डिग्री बेंड कर दिया, फिर उसको लेना है सरिये को, उसको 100 डिग्री सेल्सियस जिस पानी का तापमान हो उसमें डालना है, 30 मिनट तक बॉइल करना है उस सरिये को, फिर उसको 30 मिनट ठंडा करना है, ठीक है। जैसे ही ठंडा किया फिर उसको बेंड करना है आपको, कितना, फिर दोबारा उसको बेंड करना है हमें, उसको बेंड करना है आपको 175.5 डिग्री सेल्सियस पे, फिर उसको देखना है कि यहां कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, अगर क्रैक हुआ वो सरिया अच्छा नहीं है, ठीक है। अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकली आपको साइड पे दिखाते हैं कि सरिये में और क्या चीजें आपको चेक करनी होती है। देखिए जैसे सामने आप सरिया देख रहे हो, जब भी सरिये को देखना है आपको, उसमें उसका कलर कैसा होना चाहिए, जैसे आप देख रहे हो स्टील ग्रे, मतलब उसका पीला कलर कभी नहीं होना चाहिए, जिस सरिये का पीला कलर होता है वो, उसको क्रोजन लगी होती है, वो आपको कभी यूज नहीं करना है। जैसे ये देखो थोड़ा ब्लैकिश कलर आपको दिख रहा है, मतलब जैसे ऐसा कलर अगर आपको स्टील दिखता है को, वही स्टील आपको हमेशा यूज करना है। अगर वो थोड़ा ब्राउन हो गया मतलब उसमें क्रोजन लग गई है, वो सरिया अच्छा नहीं है।
अगली चीज आपको क्या देखनी है, जब भी सरिया आप खरीदो तो उसमें रिब्स होती हैं। ये रिब्स क्या होती हैं, जो भी कंक्रीट जब डालोगे उसमें बॉन्ड रिब्स ही बनाती हैं, मतलब अच्छे से उसको पकड़ के कौन रखती हैं, जो रिब्स होती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सामने आप देख रहे हो, ये रिब्स होती हैं, इनकी हेल्प से ही सरिया बॉन्ड बनाता है। तो इसमें जो रिब्स होनी चाहिए वो मोटी रिब्स होनी चाहिए, वो ही सरिये को पकड़ के रखेंगी। अभी दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है, जैसे मैंने कहा था कि टैग होता है, जो वो सामने आप टैग देख रहे हो जिस पे लिखा है AS1786 और जिंदल TMT bar 500, तो इसमें ग्रेड भी मेंशन होता है, इसका कोड भी मेंशन होता है और इसमें सब डिटेल लिखी होती है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी ही देनी है। बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, अभी हम देखते हैं इसका MTC रिपोर्ट, उसके बाद कुछ चीज़ें और मैं आपको बताने वाला हूँ। आता है ऐसे तो टेस्ट सर्टिफिकेट सामने आप देख रहे हो, ऐसा ही लिखा रहता है, सैंपल बेड उस पर लिखा रहता है। जैसे पहली चीज़ क्या है, सेक्शन नॉमिनल डायमेंशन उसका 8 mm का, 10 mm, 12, 16, 20। फिर सैंपल का वेट कितना है, 380 ग्राम 8 mm का, और इसको आपको किससे 1786 में देख लेना है कि 8 mm का 1 मीटर का अगर सरिया है, 1 मीटर लेंथ है, उसका कितना वेट होता है वो मैच कर लेना है। लेंथ 1 मीटर सामने देख रहे हो, तो ऐसे ही उसमें सब टेस्ट लिखे होते हैं। फिर टेंसाइल स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस, ये फाइनल गोज लेंथ, इलोंगेशन, रीबेंड, बेंड टेस्ट जो मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें वहाँ से आपको चेक करनी होती हैं। अगली चीज़ आपको क्या चेक करनी है, वो केमिकल टेस्ट। कुछ कंपनी केमिकल टेस्ट का MTC देती हैं, कुछ का नहीं देती। तो सामने आप देख रहे हो कार्बन की कितनी परसेंटेज है, फॉस्फोरस की, सल्फर की, कार्बन की, सिलिकॉन की, मैगनीज की, तो ये आपको 1786 जो हाई स्कोर रहता है उससे मैच कर लेनी है, फिर ही आपको वो सरिया खरीदने हैं हमेशा। और ये आप फॉलो अप भी कर सकते हो, जो MTC में आपको दिखा रहा हूँ इसके हिसाब से भी आप अपने सरिया चेक कर सकते हो। अगर आपका सरिया ये फॉलो करता है तो अच्छा है, क्योंकि ये जो MTC मैंने लिया है ये 786 से ही है, ISCore 786 आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, और अगर आप कहोगे तो हम प्रोवाइड भी करवा देंगे। सीव एनालिसिस पे हमारा वीडियो होने वाला है, तो हम पहले मैं आपको बता दूं, ये प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली दोनों वे से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम सीव एनालिसिस करते हैं। तो कई लोगों को पता ही होगा कि सीव एनालिसिस करते क्यों हैं। बेसिकली सीव एनालिसिस करने का एक ही फंडा होता है, इसलिए हम करते हैं, जो भी एग्रीगेट हो उसका हमें स्पेसिफाई, उसका साइज़ पता हो, और उसी साइज से डिज़ाइन किया जाता है कंक्रीट, और उसी पे डिपेंड होती है हमारा। अगर हमें पहले से पता होगा कि हमारा जो साइज़ है कितना मैक्सिमम है, कितना एग्रीगेट कितनी परसेंटेज में कंक्रीट में रहेगा, तो उसको जब डिज़ाइन किया जाएगा तो जो कंक्रीट बनेगा वो एक रिच कंक्रीट बनेगा, उसकी वर्केबिलिटी भी अच्छी होगी और स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसलिए हम सीव एनालिसिस करते हैं। तो आज जो सीव एनालिसिस मैं करने वाला हूँ वो 20 mm एग्रीगेट की करने वाला हूँ। वो आपको मैं पूरी रिपोर्ट भी उसकी दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग करते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान देते हैं, फुल प्रोसीजर क्या होता है, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको मैं बताने वाला हूं। तो उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ऐसी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर ही मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो सीव हम यूज़ करेंगे 20 mm एग्रीगेट को टेस्ट करने के लिए, एक हमारे चाहिए 4.75 mm की सीव, दूसरी हमें 10 mm की सीव चाहिए, तीसरी हमें 20 mm की, और फिर 25 mm की, और नीचे हमें पैन चाहिए। तो ये हमें 5 सीव चाहिए होती हैं, नीचे हमारा पैन लगेगा, उसके ऊपर 4.75 की, 10 mm, 20 mm और 25 mm की सीव हम रख देते हैं। अभी जो बाकी प्रोसेस होगा हमारा वो मैं आपको समझाऊँगा किसकी हेल्प से, पूरा थियोटिकल हेल्प से पूरा प्रोसीजर भी बताऊंगा और रिपोर्ट बना के भी आपको दिखाऊंगा। पूरी प्रोसेस की रिपोर्ट रेडी है, लेकिन आपको प्रोसेस तो सुनना पड़ेगा। देखो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले जैसे मैंने आपको क्लियर किया, नीचे हमारा पैन होगा, ये पूरा प्रैक्टिकली समझाया जाएगा, भले मैं थियोटिकली कर रहा हूं लेकिन प्रैक्टिकली। नीचे पैन होगा, ऊपर होगा 4.75 mm स्लीव, सीव 10 mm की, 20 mm की और 25 mm की। सीव आप लोगों ने देख ली, सीव क्या होती है, छननी हमारी होती है। तो हम क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं, हमने जो सैंपल है वो ले लिया, मैंने एग्जांपल ले ली 3 kg 70 g का, मैंने सैंपल ले लिया, ये आप कितना भी ले सकते हो, ये ले लिया हमने 3070 g या 3 kg 70 g का हमने सैंपल ले लिया, ये एग्रीगेट डाल दिया हमने, और हमें स्पेसिफाई किया है कि हमारा जो डंपर जो ट्रक आया है एग्रीगेट लेके, वो 20 mm का एग्रीगेट लेके आया है, तो हम 20 mm के चेक कर रहे हैं। तो 20 mm का जब मैंने उसमें डाला 25 mm की सीव में, तो उसको हमें शेक करना होता है। इसके एक वाइब्रेटर भी आता है, नीचे वाइब्रेटर लगा होता है, ये पूरी छननी हिलती है, वाइब्रेटर नहीं है, आपको मैन्युअली इसको शेक करना है पूरा। जब शेक करोगे तो जो ऊपर से एग्रीगेट होता है छोटे छोटे पीस, क्योंकि इसमें स्पेस होती है, जैसे आपने छननी देखी हमारी, छननी कुछ ऐसी होती है हर साइज की, तो जो पीस होंगे वो नीचे नीचे एग्रीगेट नीचे नीचे आता जाएगा अपनी साइज के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, इसको शेक किया, ठीक है। तो हमारा जो 25 mm का था
उसमें हमारा जीरो बचा, उसमें एक भी एग्रीगेट का पीस नहीं बचा। पहले सबसे पहले यहां देखना, यहां नहीं, और ये मैं बाद में पूरा रिपोर्ट आपको बताता हूं। आप देख भी सकते हो इधर सीव का साइज आ गया, इधर कितना वेट है उसको मैं प्रोसेस के हिसाब से बताऊंगा। हमारा 25 में जीरो बचा, तो हमने 25 की सीव उठा के साइड पर रख दी। फिर जो 20 mm की सीव थी, ये 20 mm की सीव, इसको उठाया हमने, यहां लेके गए, इधर हमारा वेइंग मशीन है, मतलब इसमें से जो भी एग्रीगेट निकला उसको हमने इधर उस पर वेट किया, उसका उसको तोला, तो हमारा जो वेट आया वो कितना आया, 50 ग्राम। कितना? 50 ग्राम। तो हमारा जो 20 mm की सीव थी उसमें हमारा 50 ग्राम ही एग्रीगेट है, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद हम इसको और हिलाया, उसके बाद 10 mm की सीव हमने ली, 10 mm सीव को खाली किया और उसका वेट किया, उसका भजन किया हमने, तो भजन जब किया तो हमारा आया मतलब 2 किलो 910 ग्राम या 2910 ग्राम, क्लियर। मतलब एक ही बात हुई, केजी में बता दिया, ग्राम में बता दिया, तो ये हो गया। फिर हमने सीव ली 4.75 वाली, ठीक है, 4.75 वाली ली, उसको खाली किया, उसमें से हमें कितना एग्रीगेट मिला उसका हमने वेट कर लिया, उसका वेट किया जब हमने तो हमारा आया 90 ग्राम, उसमें हमारा बचा कितना, 90 ग्राम, क्लियर। फिर जो नीचे पैन लगा होगा उसमें हमारी डस्ट बस्ट आती है, थोड़ा छोटे मोटे पीस आते हैं, वो उसको खाली किया, उसका वेट किया हमने, वो आया हमारा 20 ग्राम, क्लियर। इतना क्लियर हो गया कि हमने जो भी, मैं फिर से रिपीट करवाता हूं प्रोसेस, हमने एक सैंपल लिया था 3 किलो 70 ग्राम का, उसको इसमें डाला, इसको शेक किया, कोई 2 मिनट हिलाते रहे, तो जो एग्रीगेट था वो धीरे धीरे नीचे नीचे अपने अपनी सीव में आ गया जिस हिसाब से उसका साइज था। उसके बाद हम एक एक पैन उठाते गए, उसका वेट करते गए और यहां नोट करते गए। इधर तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हमें निकालनी होती है ये जो आप टेबल है, ये आपको अगर चाहिए होगा मैं वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूंगा, जहां आपको चाहिए होगा वहां मिल जाएगा। ये परसेंटेज रिटेन जितना बचा था, एक्यूमुलेटेड आगे मैं टोटल आगे मैं बताऊंगा कैसे करना है, परसेंटेज ऑफ पासिंग और लिमिट एज पर IS 383, क्लियर। अभी क्या करना है, 25 mm में कितना परसेंटेज था, जीरो, हमारा एक भी एग्रीगेट उसमें नहीं बचा था, क्लियर। जो 20 mm की सीव थी उसमें 50 ग्राम बचा था, तो हमारी परसेंटेज कैसे निकलेगी, वो निकलेगी 50 ग्राम डिवाइड बाय टोटल, हमने सैंपल कितना लिया था, 3070 ग्राम। जितना भी आपका सैंपल लिया होगा और जितना वेट बचा होगा उसको मल्टीप्लाई बाय इंटू 100 हम कर देंगे, तो हमें निकलेगा 1.62% हमारा उसमें रिटेन हुआ, क्लियर। नेक्स्ट हमारा 10 mm की सीव जब हमने खाली की थी तो हमें 2910 ग्राम बचा था, तो हमें करना है 2910 ग्राम डिवाइड बाय 3070 × 100, क्लियर। ये किया तो हमारा आ गया 94.7% हमारा उसमें रिटेन हो गया था। फिर 90 ग्राम के लिए भी सेम करना है, 90 डिवाइड बाय 3070 × 100, तो हमारा 2.93% बचा, इसके लिए भी सेम करना, तो ये बचा। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हमारे क्यूमुलेटिव रिटेन निकलता है, हमारा टोटल रिटेन निकलता है, उसके लिए क्या करना है, 25 mm में हमारा जीरो था तो जीरो ही रहेगा, 20 mm में क्या था, 162% बचा था, 162% बचेगा। क्यूमुलेटिव कर रहे हैं मतलब प्लस कर रहे हैं, पुराना वाला भी हमने ऐड करना साथ में, तो 10 mm में क्या था, 94.7% था, प्लस हमारा पिछला कितना था, 1.62%, तो वो हो गया 96.3%, क्लियर। फिर आपको जब 4.75 mm पे पहुंचेंगे तो आपको क्या करना है, इसको प्लस कर देना, 96.3 प्लस 2.93 तो हमारा हो गया 99.25, क्लियर। फिर जब पैन में जो बचा था वो था 0.065, तो 99.5%, तो ये हमारा 100% हो गया, ठीक है, ये क्लियर। यहां तक क्लियर हो गया। फिर हमारा आता है परसेंटेज ऑफ पासिंग, और परसेंटेज ऑफ पासिंग हमें चेक करनी होती है, क्योंकि जो हमारा IS कोड है वो कहता है, IS कोड 383 आप देख सकते हो, हमारी वेबसाइट पे भी आपको अवेलेबल होगा सारे कोड, सॉइल के, सीमेंट के, सॉइल हर चीज के कोड वहां पे फ्री में आपको मिल जाएंगे, वहीं आपको ये भी मिल जाएगा। वो कहता है जब आप 20 mm के एग्रीगेट का सीव एनालिसिस कर रहे होते हो तो 25 mm में लिमिट कितनी होती है, 100%, मतलब 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 20 mm में 85 से 100% होनी चाहिए, 10 mm में 0 से 20% होनी चाहिए, 4.7 mm में 0 से 5%। तो अभी हम देखते हैं हमारा कितना कितना बचा है, जो एग्रीगेट हम टेस्ट कर रहे हैं वो सही है कि गलत। तो हमारा क्या था परसेंटेज, 100, तो 100 क्लियर, ये पास हो गया हमारा। दूसरा हमारा आया था 98.3, इधर परसेंटेज कितनी, 85 से 100 तक, तो ये भी हमारा पास हो गया। फिर हमारा अगला है 10 mm के लिए, वो है 0 to 20, तो ये हमारा आया 3.7, ये भी हमारा पास हो गया। फिर हमारा 4.7 के लिए है 0 से 75, तो ये हमारा आया 0.75, मतलब ये भी पास हो गया। और ये हमारा पैन में जो भी डस्ट थी वो
क्लियर है, उससे इतना कुछ लेना देना नहीं होता। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि हमारा जो एग्रीगेट था वो टेस्ट पास हो चुका है, जो हम एग्रीगेट यूज, जो हमारा डंपर आया था, ट्रक आया था एग्रीगेट लेके, उसको हम यूज कर सकते हैं, उससे हमारा अच्छा कंक्रीट बनेगा। यही प्रोसेस रहता है, सिंपल रहता है। अब होने वाला है जो कंक्रीट का टेम्परेचर टेस्ट हम करते हैं, उसका टेम्परेचर देखते हैं, उस पर कंप्लीट वीडियो होने वाला है। प्रैक्टिकल नॉलेज है, इंटरव्यू में भी काम आएगा और साइट पे जाके भी ये वीडियो आपके काम आएगा। बस आपको वीडियो कंप्लीट देखना है और आप थैंकफुल होंगे कि हमने ये सिविल साइट विजिट पे वीडियो देख लिया था। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो आज हम प्रोसीजर भी देखेंगे, पता भी करेंगे कि मिनिमम कितना टेम्परेचर होना चाहिए, और ये भी पता करेंगे अगर हमने कॉन्क्रीटिंग कर दी, टेम्परेचर है आपका 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा। और फिर अगर हमने कंक्रीटिंग कर दी ठंड में तो क्या होगा, और भी काफ़ी क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आते हैं कंक्रीट को लेके। और ये ज़रूर आपको आने चाहिए कि एज ए साइट इंजीनियर ये पता होना चाहिए आप पीएमसी या क्लाइंट को काउंटर कर सकते हो। तो पहले हम देखते हैं इसका प्रोसीजर, मैं लाइव आपको पूरा साइट पे जाके करके दिखाता हूँ, 2-3 बार टेस्ट वो देख लेंगे, उसके बाद मेन क्वेश्चन पे आएंगे। कम से कम कितने टेम्परेचर में हमें कंक्रीटिंग करना है, और मैक्सिमम कितने अगर कंक्रीट ज़्यादा गर्म हो गया उसको कैसे सही करना है, और अगर कंक्रीट गर्म नहीं हो उसको कैसे हम सही करेंगे। टीएम अगर आप कंक्रीट लेके आपका आ गया और उसमें टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है, उसके हमें डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, वो प्रोसीजर के बाद हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जो फ्रेश कंक्रीट होगा आपको ले लेना है उसको, तो उसमें क्या करना है आपको, आपका जो थर्मोमीटर होगा मिनिमम 3 इंच आपको इंसर्ट करना है उसके अंदर, ठीक है, और 2 मिनट तक उसको उधर ही रहने देना है। और ये कभी कभार बहुत टाइम ये गलती हो जाती है कि उसको बाहर निकाल देते हैं फिर टेम्परेचर देखते हैं, ये नहीं करना है, मतलब उसको 2 मिनट तक अंदर रखना है और उसका टेम्परेचर नोटिस करना है। और होता क्या है, मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है अकॉर्डिंग ASTM, मतलब अमेरिकन सोसाइटी टेस्टिंग मशीन के हिसाब से, आपका 26 से 35 डिग्री तक आपका होना चाहिए, मतलब इसका टेम्परेचर परफेक्ट है। और इस थर्मोमीटर की एक्यूरेसी कितनी है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट आपको यह बताएगा। और आपका मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना मैक्सिमम होना चाहिए, तो 35 आपका एक्यूरेट रहता है, मतलब 35 चलता है, और मिनिमम कितना 26 से 35 तक, मतलब इतना आप ले सकते हो। ये रही बात अगर मतलब कंक्रीट टेम्परेचर की। अगर दूसरी चीज़ हम देखा जाए तो मतलब जो बेस्ट हमारा प्लेसिंग और क्यूरिंग का जो रहता है, तो अगर आप 15 से 25 डिग्री के सेल्सियस में कास्टिंग करोगे तो वो परफेक्ट है। उससे क्या होगा, आपके कंक्रीट में क्रैक्स भी नहीं आएंगे, और क्या होगा मतलब हाई स्ट्रेंथ, अच्छी स्ट्रेंथ भी पकड़ेगा। अगर टेम्परेचर बाई चांस समर में 35 डिग्री से ऊपर है, तो अगर तब करोगे आप तो क्रैक और श्रिंकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक बार फिर से मैं करके दिखाता हूँ कि अभी हमारा टेम्परेचर कितना आता है। पहले इंसर्ट कर लो 3 इंच उसको, और उसको रहने दो, मतलब हमारा दोबारा उतना टेम्परेचर मिलता है जितना अभी हमने चेक किया कि नहीं। देखो हमारा टेम्परेचर मतलब बढ़ता जा रहा है, और यही चीज़ है, मतलब अगर आपका टेम्परेचर 35 बराबर है तो मतलब इसमें क्रैक्स भी आपको कम, श्रिंके क्रैक्स जो रहते हैं वो कम देखने को मिलेंगे, और मतलब जो हमारा स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी आएगी। तो यही हम टेस्ट में क्या किस लिए देखते हैं कि हमारा जो कंक्रीट है काम करने लायक है, जहाँ इसको हम रिजेक्ट कर दें, ठीक है। तो हमारा कितना आ रहा है, 33.6, मतलब अभी मैंने 2 मिनट तक रखा इसको, लेकिन इंक्रीज़ हो रहा, 35 डिग्री हमें लास्ट में इसका मिल गया था। अभी मैं थोड़ी देर बाद उसका दिखाता हूँ क्यूरिंग का, मतलब कास्टिंग के दौरान जो हमने 2 टेस्ट किए उसमें हमारा कितना मिल रहा है वो भी, क्योंकि उसमें क्या होगा हमारा थोड़ा बहुत आगे पीछे इंक्रीज़ होता रहता है। जब आप मतलब कास्टिंग के दौरान आपका टेम्परेचर, जो बाहर का टेम्परेचर भी ऐड होगा, तो उससे भी थोड़ा बैरी कर सकता है, इसमें कोई चिंता नहीं है। मतलब 35 कास्टिंग के दौरान आपको 36 मिलता है, 37 मिलता है, वो एक्सेप्टेबल है। और ये एक इंडियन स्टैंडर्ड या ACI में कुछ दिया नहीं है, लेकिन ASTM ने जो हमें वैल्यू दी है वो 26 से 35 है। और इंटरव्यू का भी यही क्वेश्चन रहता है कि आपका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना एक्सेप्टेबल होता है। अभी मैं कास्टिंग हमारा चल रहा है उसमें मैं टेम्परेचर दिखा देता हूँ आपको, टेम्परेचर कितना मिल रहा है हमें मिल रहा है 35.8, मतलब 9.36। तो वही ना, बाहर के टेम्परेचर से भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो इतना कोई कुछ नहीं है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर फ्रेश कंक्रीट जैसे ही आता है उसका लोगे तो वो 35 से कम ही होना चाहिए, 35 से ज़्यादा नहीं ले सकते हम। तो सेकेंड टाइम हमने जब टेस्ट किया, वो कास्टिंग हो गया, फिनिशिंग हो गया, उसके बाद कितना मिल रहा है हमें, 36 से 37, वही मतलब सेम रिजल्ट रहता है, ठीक है। टेस्ट भी कर लिया और समझ भी आ गया कि किस हिसाब से हम टेस्ट करते हो,
और आपको चल गया होगा पता कि इंडिया में आई एस कोड क्या कहता है, आपका अगर 26 से 35 डिग्री तक टेम्परेचर मिल रहा है तो वो एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन हम प्रैक्टिकली अभी बात करते हैं एक चीज़ की कि जो हमारा टेम्परेचर होता है, अगर हम बात करें मैक्सिमम हमें 35 के ऊपर नहीं जाना है। अगर 35 डिग्री से ऊपर कंक्रीट आपका आ रहा है उसको यूज़ कभी नहीं करना है, क्योंकि उसमें एक रिपोर्ट की मैं बताता हूँ आपको, जब एक रिपोर्ट के हिसाब से क्या होता है, जो 27 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस अगर कंक्रीट का आता है उससे हर एक डिग्री पे, जैसे 28 होगा तो उसकी 1% स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी, जैसे 29 होगा तो उसकी 1% और स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाती है। तो एक रिपोर्ट है लेकिन एक्सेप्टेबल 35 डिग्री तक होता है। और जब हम क्या करते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हमारा है, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस से कम हम कंक्रीट करेंगे, तो उस दौरान क्या होता है, जो उसकी हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो रुक जाती हैं और वो स्ट्रेंथ, कंक्रीट क्या होता है वो अपनी स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाता, वो पाउडर की तरह हो जाता है। अब कभी भी ये मैं क्या करता हूँ, जो स्टूडेंट है उनको ये टेस्ट जरूर करने चाहिए, उनको थोड़ा नॉलेज मिलेगा। और अगर हम -4 डिग्री सेल्सियस से कम कंक्रीट यूज़ करते हैं, अगर -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसमें कंक्रीट करेंगे तो वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, वो यूज़ करने लायक ही नहीं रहता है। तो जो भी देखो, जो एरिया होते हैं जहाँ बड़ी ज़्यादा ठंड रहती है या बड़ी ज़्यादा गर्मी रहती है, अगर बड़ी ज़्यादा गर्मी की मैं बात करूँ, दुबई को एग्जांपल लेते हैं, जब बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जो उसकी कंक्रीटिंग होती थी, जो उसका कंक्रीट होता था, वो हमेशा पोरिंग कब करते थे, रात को पोरिंग करते थे, क्योंकि तब टेम्परेचर एक्सेप्टेबल होता था, तो तब उस टाइम कंक्रीटिंग की जाती थी। अगर वो दिन में कंक्रीटिंग करते वो कभी पॉसिबल नहीं होता, जहाँ तो वो कंक्रीट जम जाता, जहाँ उसमें क्रैक्स आ जाते, तो यही होता है। और जहाँ पे ठंड होती है वहाँ तब कंक्रीटिंग की जाती है, जहाँ स्पेशल कंक्रीट डिज़ाइन किए जाते हैं, जब गर्मी हो या जो भी है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप कंक्रीटिंग करते हो, जब टेम्परेचर अगर 40 डिग्री है, एग्जांपल लेते हैं, 40 डिग्री में कंक्रीट करना, और उसमें आपको श्रिंकेज क्रैक्स, क्रेजिंग क्रैक्स, थर्मल क्रैक्स, ये सब क्रैक्स देखने को मिलेंगे, और वो क्रैक्स काफ़ी ज़्यादा माइक्रो क्रैक्स होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ जाते हैं। और इसीलिए क्या करते हैं, जब भी कंक्रीटिंग अगर बाय चांस समर में कर रहे हैं और टेम्परेचर ज़्यादा है और अर्जेंट है कंक्रीटिंग करना, तो आप क्या करना है, जो आइस होती है, बर्फ़ होती है, जो वो बर्फ़ आपको कंक्रीटिंग के दम पानी एज ए पानी वहाँ यूज़ करना है। और अगर कंक्रीटिंग बनाने के दौरान ही आपका कंक्रीट जो हो रहा है वो गर्म होते जा रहा है, तो मार्केट में क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है वो प्लांट के जहाँ कंक्रीट बन रहा है, जो मिक्सचर है, उसके चारों तरफ नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन लगा दी जाती है और वो थोड़ा ठंडा रहता है। तो हमेशा पॉसिबिलिटी यही पॉसिबल करना है कि कंक्रीट जो आपको करना है वो ऐसे टेम्परेचर में करना है जो रहे आपका 15 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर रहता है, उस टाइम अगर कंक्रीटिंग हुई तो बहुत अच्छी कंक्रीटिंग रहती है, उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी रहती है और उसमें आपको क्रैक्स देखने को भी नहीं मिलेंगे, और क्यूरिंग भी उसी हिसाब से आपको रखनी है। तो ये चीज़ें होती हैं, जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। मैं बता दूं, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो आपका कंक्रीट उतनी स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा जितनी उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है। तो आपको टेम्परेचर रखना है 15 से 25, मैक्सिमम 30 डिग्री तक आपको टेम्परेचर में कंक्रीट करना है और उसका टेम्परेचर चेक कर लेना है। तो सबसे पहला हमारा टेस्ट है कलर टेस्ट, ठीक है। सामने देख रहे हो हमारा सीमेंट पड़ा हुआ है, तो इससे कैसे पता चलेगा कि सीमेंट अच्छा है कि नहीं है? तो सबसे पहले क्या करना है, जो आप मतलब सीमेंट का कलर होना चाहिए ना, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए। और जो उसका जो अच्छा सीमेंट रहता है उसका कलर कौन सा रहता है, ग्रे कलर रहता है, और थोड़ा थोड़ा मतलब ग्रीनिश दिखेगा, धूप में रखोगे उसको वो थोड़ा ग्रीनिश दिखेगा। तो पहला टेस्ट ये होता है कि आप कलर से देख सको, मतलब अगर जैसे सामने सीमेंट है ये बेस्ट सीमेंट है, इसका ग्रेश ग्रीन कलर है तो ये बेस्ट है। दूसरा चीज़ क्या देखना है आपको, उस पर आई एस मार्क होना ही चाहिए, और देखना है जो मतलब यूज़ कर रहे हो, अगर पोर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं तो वो देख लेना, पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ कर रहे हो यहाँ कौन सा। नेक्स्ट चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी है वो क्या है, उसकी डेट, मतलब उसकी मैन्युफैक्चर डेट आपको पता होनी चाहिए, 21/8/2, मतलब 21 होगी इसकी डेट, वीक और उसका मंथ। और इसने भी लिखा कि आपको मतलब अगर आप सीमेंट यूज़ करोगे 3 महीने पुराना, मतलब उसी मैन्युफैक्चर से 3 महीने के अंदर आप उसको यूज़ करोगे तो वो बेस्ट सीमेंट है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ उसकी सब कुछ बेस्ट होगी, क्योंकि क्या होता है मतलब सीमेंट की एज के साथ उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। और मतलब इसने लिखा है कि अगर 90 दिन के बाद आपको सीमेंट यूज़ करना है तो उसका टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट करवा लेना है कि वो सीमेंट काम करने लायक है कि नहीं है, क्योंकि जो भी सीमेंट होता है ना, मतलब उसके 90 दिन बाद उसका क्या होता है, स्ट्रेंथ कम होने लग पड़ती है। और अगर आप उसको यूज़ करोगे 3 महीने पहले, मतलब उसकी जो मैन्युफैक्चर डेट है उसके 3 महीने में उसको यूज़ करोगे तो वो स्ट्रेंथ
बहुत ज़्यादा अच्छी देगा। तो ये चीज़ आपको जब भी सीमेंट लेने जाओ उसको ये चीज़ आपको चेक करनी करनी है। और हमारा नेक्स्ट टेस्ट जो रहता है वो कौन सा है, हमारा लम्प्स टेस्ट, मतलब चेक करना है कि उसमें कोई लम्प्स तो नहीं है, मतलब थोड़े थोड़े बड़े बड़े टुकड़े तो नहीं बने हुए हैं। अगर टुकड़े बने हुए हैं तो मतलब उसमें पानी टच हो गया है और हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो वो भी सीमेंट आपको काम करने लायक नहीं है, उसको हमेशा रिजेक्ट कर ही देना है आपको। अगर थोड़ा बहुत होता है वो चलेगा। तो अगला टेस्ट है हमारा फ्लोर टेस्ट। इसमें क्या करना है, आपने थोड़े सा पार्टिकल लेना है, मतलब थोड़ा सा हाथ में सीमेंट लेना है, उसको पानी में बकेट लेनी है या कुछ भी आपका अवेलेबल है जो, उसमें थोड़ा फेंकना है। अगर एकदम से सीमेंट उसमें डूब गया तो मतलब वो सीमेंट रिजेक्टेड है, काम करने लायक नहीं है, मतलब वही मैंने कहा लम्ब्स बन गए होंगे वो डूब जाएंगे एकदम से। तो ये टेस्ट पास करने के लिए इसको क्या करना होगा, तो पहले थोड़ी देर इसको जो भी आप सीमेंट फेंकोगे थोड़ी देर फ्लोट करेगा, उसके बाद डूब जाएगा तो वो सीमेंट आपका काम करने लायक है, वो मतलब अच्छा सीमेंट होगा, जो एकदम से डूब जाएगा वो रिजेक्टेड। और ये टेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सामने देख रहे हो मैंने ग्लास का पीस लिया, जो अवेलेबल मटेरियल था मैंने उसी पे टेस्ट ये किया हुआ है। तो यहाँ मैं देख रहे हो एक ग्लास का पीस था छोटा सा। इस टेस्ट में क्या करना है, हमारा टेस्ट का नाम है सेटिंग टेस्ट, मतलब सेटिंग टाइम चेक करना है उसका, मतलब एक पेस्ट लेनी है, थोड़ा सा सीमेंट लेना है, थोड़ा सा उसमें पानी मिक्स कर लेना है, और जो आप उसको सीमेंट बनाओगे उसको क्या करना है, पेस्ट को पानी में मस्ट कर देना है, मतलब उसमें पानी में डाल देना है और उसको छोड़ देना है, और फिर आके इसको 24 घंटे बाद आपको चेक करना है कि उसमें कोई क्रैक आया नहीं। तो इस टेस्ट का करने का फंडा क्या है, मतलब क्या देखना है आपने इसको, उसको जब आपने इन्वर्स कर दिया उसको 24 घंटे बाद निकाला तो उसमें कोई भी क्रैक नहीं आना चाहिए, मतलब सीमेंट में, और वो सीमेंट सेट होना चाहिए। तो मैंने टेस्ट किया और 24 घंटे के बाद, मतलब दूसरे 24 घंटे बाद देखा उसको, तो उसका हमें क्या रिज़ल्ट मिला वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मतलब अभी वाटर में पड़ा हुआ है, ये मैंने निकाल के रख दिया। तो इसमें क्या हुआ था, हमारा सेट तो हो गया था, थोड़ा बहुत सीमेंट निकला था और क्रैक भी नहीं आया था, मतलब ये हमारा सीमेंट काम करने लायक है, क्योंकि देखो ये सामने कोई क्रैक नहीं है और सेट भी हो गया था। इतनी पेस्ट ली थी, थोड़ा बहुत तो मतलब पानी में वो मिल गया, बाकी उसमें कुछ भी नहीं था और ये सीमेंट हमारे काम करने लायक था। तो ऐसे ही आप टेस्ट कर सकते हो उसका, मतलब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इससे भी आपको पता चलेगा कि वो सीमेंट काम करने लायक है नहीं। तो नेक्स्ट टेस्ट है हमारा एडल्ट्रेशन टेस्ट। तो इसमें क्या रहता है, मतलब थोड़ा सा सीमेंट आपके मतलब दो फिंगर में लेना है या हाथ में लेना है, उसको रब करना है। अगर वो रब में मतलब स्मूथ लगा तो मतलब वो टेस्ट पास है, मतलब वो सीमेंट काम करने लायक है। तो अगर हाथ में लगा तो मतलब उसमें सैंड या कुछ मिक्स हुआ है, वो काम करने लायक नहीं है। एडल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर दूसरा सत्रा उसमें मिल गया वो ख़राब हो गया चीज़। और नेक्स्ट टेस्ट है हमारा टेम्परेचर टेस्ट, मतलब इसमें क्या करते हैं, हम थोड़ा सा सीमेंट लेते हैं या सीमेंट के बैग में हाथ डाल के देखते हैं कि अगर वो सीमेंट मतलब हॉट हुआ, मतलब गर्म हुआ पकड़ने में या हाथ डालने में, तो वो सीमेंट काम करने लायक नहीं है, उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, मतलब पानी लग चुका है बैग में, वो सीमेंट ख़राब हो चुका है, उसमें लम्ब्स बन गए होंगे, वो काम करने लायक वो नहीं रहा। फिर बाद में उसको सही तरह से फिनिश करने का, बाहर ना ले रेल वाला आपका व्हीकल
डांडे मारे चेक कर ले। खैर हजी हजी साफ करना है। बाहर जाए देखा तो नहीं। बोलो खूणा वालों साफ करने क्या कहना है इसको सीधू कर जी आप कर जी बराबर बंद ले लो वाला फोन
फोटो पढ़ लें, वीडियो जान लो। बोलियो नहीं के कर बन बस चढ़ाई जा शर्मा वीडियो चल बस हाल हल्ला।